दोस्तों, अगर आपके पास नोकिया का कीपैड वाला मोबाइल है और आप उस कीपैड वाले मोबाइल में स्पीड डायल नंबर में सेव करना चाहते हैं, तो स्पीड डायल आपको नहीं मिल रहा, तो मैं बताता हूँ कि आप स्पीड डायल में नंबर कैसे सेव कर सकते हैं। सिर्फ एक अंक दबाने से ही आपको सीधे कॉल लग जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कॉन्टैक्ट में जाएंगे। कॉन्टैक्ट में जाने के बाद आप यहाँ पे नीचे जाएंगे, आपको नीचे स्पीड डायल मिलेगा। स्पीड डायल में जाने के बाद आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा। एडिट वाले ऑप्शन पे ओके कर देंगे। इसमें देखिए, इसमें असाइन लिखा हुआ है, नीचे असाइन पे ओके करना होगा। असाइन टू कॉल पे ओके करने के बाद अब आपको यहाँ की आपकी फ़ोन लिस्ट में जो नंबर है, आपको वो नंबर यहाँ से ओके करना होगा। ये नंबर ओके हो गया। अब इसमें दिखा रहा है कि दो नंबर पे आपको ये नंबर जो सेव हुआ है, ये दो नंबर दबाने से आपकी किस नंबर पे कॉल लग जाएगी। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ से कट कर देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं दो दबा के रखता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे कॉल लग गई है। तो ऐसे आप स्पीड डायल शुरू कर सकते हैं अपने कीपैड वाले नोकिया मोबाइल में।